प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल, जगह जगह की जा रही है तैयारियां। और शिक्षकों की अभिनव पहल से महासमुंद के धर्मपुर प्राथमिक शाला में छात्रों की दर्ज संख्या में हुई बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को वर्ष 2024 तक 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, पर राज्यों के संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें निर्यात बढ़ाने पर जोर दें, क्योंकि लोगों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने में निर्यात क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में अपने विभिन्न प्रयासों को समन्वित करना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नई सरकार के कार्यकाल में यह संचालन परिषद की पहली बैठक है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि संचालन परिषद की बैठक में पिछली बैठकों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की जाती है, साथ ही भविष्य की विकास से संबंधित प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से प्रदेश के 70 लाख आदिवासियों और 58 लाख गरीब परिवारों से जुड़े लंबित विषयों के शीघ्र निराकरण का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय करने की योजना के संबंध में केंद्र सरकार से शत प्रतिशत अनुदान का आग्रह भी किया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। दुर्ग में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री दास ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्र सरकार ने योग में हरित क्रांति लाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे। झारखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड की धरती से ही पूरी दुनिया को योग की महत्ता को बताने का काम करेंगे। राज्य सरकार, झारखंड सरकार इसको जन आंदोलन बनाने के लिए पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर पूरी उमंग और उत्साह से झारखंड में इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के और देश भर के तमाम लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि योग हमारी दिनचर्या का अंग बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब की बार केंद्र सरकार इको फ्रेंडली योग दिवस मनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रबर और प्लास्टिक मुक्त योग देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि योगासन में इस्तेमाल होने वाली मैट रबर के स्थान पर सूती कपड़े की बनाई जाएगी, साथ ही प्लास्टिक से निर्मित पदार्थों को भी योग से हटाया जाएगा। श्री दास ने बताया कि अब योग करने वालों का परिधान खादी से निर्मित होगा। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीते साल 10 करोड़ से अधिक भारतीयों ने योग किया था। इस बार 13 करोड़ लोगों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
देख रहे हो हीरालाल को, खेती से ये शान है। कोई तो मदद करता होगा। हाँ, मेरा बैंक। बैंक? वो कैसे? बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर छोटी खरीदारी और फसल के लिए लोन पाना आसान बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने खेती से संबंधित सभी आवश्यक निवेश और खर्चों को पूरा किया, और वो भी बगैर कैश लेन देन से। इस खाते का नवीकरण भी आसान है। फिर तो रोज बैंक जाते होगे। बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सावधानी से सभी लेन देन डिजिटल यानी फोन से या कार्ड से हो जाते हैं। ये लेन देन करते समय इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना OTP, पिन, CVV किसी को ना बताएं। खाता खोलेंगे, बैंक से नाता जोड़ेंगे। RBI कहता है, जानकार किसान समृद्ध किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों को सलाह दी है कि वे संबंधित भाषाओं में भी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के टेलीविजन धारावाहिकों की कास्टिंग क्रेडिट और शीर्षक प्रदर्शित करने पर विचार करें। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कई हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के टीवी चैनल केवल अंग्रेजी में ही प्रदर्शित करते हैं। वित्त और कंपनी मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप्स के प्रतिनिधियों के साथ आगामी आम बजट के संबंध में विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अलावा अन्य विषयों पर चर्चा की गयी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किडनी की बीमारी से पीड़ित बच्चे के उपचार में मदद के लिए आगे आए हैं। कोरबा के रहने वाले धनेन्द्र गभेल के 13 वर्षीय पुत्र मनीष की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जरूरत है। ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री को पीड़ित मनीष की बीमारी की जानकारी मिलने के बाद श्री बघेल ने मनीष के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग देने के लिए हाथ बढ़ाया है। रायपुर के नव नियुक्त कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कहा है कि आमजन से जुड़ी समस्याओं और उनके आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित करने की दिशा में बेहतर प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में कबीर जयंती के दिन मांस विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा, जिसके तहत आगामी 17 जून को नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशु वध गृहों और मांस बिक्री दुकानों को बंद रखा जाएगा। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक अजय विजयवर्गीय ने मंडल रेल प्रबंधक और शाखा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। साथ ही उन्होंने बिलासपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। बैठक में श्री विजयवर्गीय ने मंडल में चल रहे स्वीकृत कार्यों, यात्री सुविधाओं, लदान और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में बिलासपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों ने बिजली विभाग के कार्यपालक निदेशक से मुलाकात की। इस मौके पर पदाधिकारियों ने 5 बिंदुओं पर जांच कर उचित कार्रवाई करने का ज्ञापन भी सौंपा, जिसके बाद कार्यपालन निदेशक ने क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के अवसर पर बेमेतरा के जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लायनेस और लायन क्लब के सदस्यों ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया और इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए योगदान देने का संकल्प लिया। सदस्यों ने बताया कि इस प्रकार के शिविर में समय समय पर क्लब के सदस्यों द्वारा रक्तदान किया जाता रहा है। रायगढ़ जिले में इलाज के दौरान किडनी चोरी करने के मामले की जांच पूरी हो गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जल्दी जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि खरसिया थाना क्षेत्र के निजी नर्सिंग होम में पत्नी का इलाज कराने भर्ती हुई महिला की किडनी निकालने का आरोप लगा था। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर आज राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर जूनियर डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने नारेबाजी भी की और कहा कि अस्पताल के भीतर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। अब कुछ खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को लेकर जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। बिलासपुर में भी योग दिवस को लेकर विशेष तैयारियां चल रही हैं। इसमें भारतीय योग संस्थान सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। योग संस्थान पूरे जिले में लगभग 40 योगाभ्यास केंद्र चला रहा है, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं। योगाभ्यास करने वाले कुछ लोगों ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि पहले उन्हें कई बीमारियां थीं, लेकिन नियमित योगाभ्यास से उन्हें बहुत आराम मिला है।
बिलासपुर के रानी लक्ष्मीबाई कन्या हाईस्कूल के परिसर में भी रोज सुबह योगाभ्यास कराया जाता है। अस्थायी रूप से शुरू किया गया ये केंद्र अब स्थायी योगाभ्यास केंद्र बन गया है और सरकार ने इसके लिए एक भवन भी बनवाया है, जिसका लोकार्पण योग दिवस के दिन करने की योजना है। अब मैं पहले बहुत बीमार रहती थी और हमेशा मेरा ट्रीटमेंट चलता था अपोलो में और सब वगैरह वगैरह बहुत सी हॉस्पिटल में दिखाई। हार्ट प्रॉब्लम था, हाई बीपी था, शुगर था और क्या नाम है, गांठी से चल नहीं पाती थी, ऐसा बहुत प्रॉब्लम हुआ। हमने 16 अप्रैल से आना शुरू किया 2018 से और जब से मैं आज तक योग आ रही हूँ, मैं एकदम फ्री हूँ और मैं दूसरों को प्रेरित करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है और मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। मेरा वजन 90 किलो था, अब मेरा वजन 75 किलो हो गया है। मैं एक साथ से मतलब योगा कर रहा हूँ। पहले मुझे बहुत तकलीफ थी, ठीक से चल नहीं सकता, यहाँ तक एक देरी में नहीं उतर पाता था। फिर जब योगा किया तो धीरे धीरे पैर ऑटोमेटिक मतलब का बढ़ने लगा और चलने लगा और अब तो इस समय ऐसा है कि मैं साइकिल भी चला लेता हूँ, कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। मेरा वजन 98 किलो हो गया था, अभी 80 किलो हो गया है। वहीं 21 जून विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में रायगढ़ वासियों में भरपूर उत्साह दिख रहा है। चक्रधर नगर में स्थित उद्यान में स्थानीय लोगों में योग के प्रति जागरूकता और खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश में हर वर्ग और हर उम्र के लोग योगाभ्यास करते नजर आ रहे हैं। यूं ही नहीं किसी की बेवजह तारीफ होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन सफलता की इकाई होती है। अजी भेजिए तो रोज बच्चों को स्कूल, कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। जी हां, इस स्लोगन से महासमुंद के धर्मपुर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षकों ने स्कूल में घटते छात्रों की दर्ज संख्या को बढ़ाने की पहल करते हुए एक पॉम्पलेट छपवाया है, जिसमें राज्य सरकार से मिलने वाली सारी योजनाओं को बताया गया है। इस प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक रिंकल बग्गा ने बताया कि शिक्षकों के प्रयास से स्कूल की दर्ज संख्या 12 से बढ़कर 47 हो गई है। अभी वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में दर्ज संख्या में कमी आ रही है। ये सिर्फ सरकारी स्कूल के नहीं, ये अध्यापकों के लिए भी बहुत बड़ी चिंता की विषय है कि यदि सरकारी स्कूल में बच्चे ही नहीं रहेंगे तो अध्यापकों का भविष्य क्या होगा और सारी सरकारी स्कूल का भविष्य क्या होगा। इसीलिए हमने ये पॉम्पलेट छपवाया है। जो सरकारी योजनाएं हैं, जो अलग से हमारी योजनाएं हैं, वो पालकों तक जाए, वो समाज में जाए, ताकि लोगों का जो मानसिकता जो सरकारी स्कूल की प्रति बन गई है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, ये विचार बदले, लोग आएँ सरकारी स्कूल को देखें, यहाँ की योजनाओं को देखें और समझे और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजे। सरकारी स्कूल किसी भी मामले में प्राइवेट स्कूल से कमतर नहीं है, बस लोगों की हमको मानसिकता बदलनी है और इसी मानसिकता को बदलने के लिए हम सभी लोगों ने ये पॉम्पलेट को छापा है। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी बीएल कुर्रे ने शिक्षकों के प्रयास की तारीफ की है। प्राथमिक शाला के जो विद्यालय हैं, निश्चित रूप से उन्होंने एक अच्छी पहल किया है और इसका फायदा जो है उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, पालक हैं, उनको भी जानने समझने में मिलेगा। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे जो शासन की जो योजनाएं हैं, जैसे मध्यान्ह भोजन है, गणवेश है, पाठ्यपुस्तक है और भी अन्य सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं जो है हम प्राइवेट अपने गवर्नमेंट स्कूल में देते हैं, लेकिन पालकों को ये चीज़ मालूम नहीं रहता। तो बहुत सारी जो चीज़ें उसकी वजह से यदि इसने पॉम्पलेट छपवा करके उन स्कीमों को, उन योजनाओं को पालकों के बीच में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों के शिक्षक इस राह पर चलें तो निश्चित रूप से शासकीय स्कूलों के स्तर में सुधार होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल, जगह जगह की जा रही है तैयारियां। और शिक्षकों की अभिनव पहल से महासमुंद के धर्मपुर प्राथमिक शाला में छात्रों की दर्ज संख्या में हुई बढ़ोतरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।